वेरी गुड मॉर्निंग। यस आई एम नॉट एबल टू हियर यू। फर्स्टली सेटल डाउन फास्ट, सेटल डाउन फास्ट, जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन पेंसिल। ऑन योर टेबल आई वॉन्ट टू सी ओनली योर नोटबुक एंड पेन एंड पेंसिल, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए ऑन योर डेस्क। It's done. Yes, seventh F. I can see many students are writing something. बेटा कोई कुछ नहीं लिखेगा। मैंने किसी को कुछ अभी लिखने का काम नहीं दिया। Don't do your homework or any other work on this class. In this class, you are not supposed to do your homework or another class work. Okay, I can see everyone. Like seventh F, I can see middle row, third bench girl. Stop writing. Shall I call everyone like this? You are not supposed to do any other work in this class. This is your STEM class, and you are supposed to do this work only, whatever I ask you to do. Okay, I have big screen. I can see each and every student what they are doing. And now, student, I will take screenshot of that student who is not doing as per my instructions and send to the principal. Okay. मैम वी आर ऑडिबल। यस बेटा, यू आर ऑडिबल। सेवन सिक्स एफ। सो नाउ फर्स्टली क्विकली डू वन थिंग। व्हाट? यस, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। यस, एंड रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स। यस, फास्टली 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 एवरीवन। यस फास्टली। एंड नाउ पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज, ऑन योर आईज। यस, नाउ स्टॉप। ठीक है, नाउ टेक अ डीप ब्रीथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. That's really good. ये हुए ना अच्छे बच्चे। चलो, so let's start our class. So today we are going to revise the chapter light. Okay, today's revision class. And now in today's class, you all are supposed to what? Answer the questions, because you already learned about light in detail. Okay, so today in today class we are going to interact more and more. I will call students one by one from every class, so be attentive. जो मैं बोलूंगी, जो मैं पूछने वाली हूँ स्टूडेंट, लिसन इट वेरी केयरफुली। मैं आपको बुलाऊंगी और यहाँ पर आपके जो अभी सेक्शंस है, ए बी डी ई एफ, सी एंड जी हैज नॉट ज्वाइन येट, सो सी सेक्शन इज कंबाइंड। सी सेक्शन इज कंबाइंड। बट अबाउट ए जी सेक्शन, डी सेक्शन इज नॉट देयर। जी इज नॉट देयर। ओके, सी इज ऑल्सो प्रेजेंट, दैट मीन्स ओके, दैट्स गुड। सो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू कौन से सेशन से ज्यादा आंसर करेक्ट आए हैं। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू डू व्हाट, कॉम्पिटिशन करने वाले हैं क्लासेस के बीच में, मगर बहुत आराम से करेंगे ताकि सबको इक्वल चांस मिले। ठीक है, सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सो बी अटेंटिव। इट्स अ फन सेशन, ओके, फन विथ नॉलेज फिल्ड सेशन। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई विल आस्क सिक्स्थ ए गुरशरण। गुरशरण इज देयर एंड फर्स्टली लिसन, सम इंस्ट्रक्शंस आर देयर। जिसके पास माइक है, हर क्लास में आई कैन सी जो फ्रंट डेस्क में बैठे हैं, दे आर हैविंग माइक। नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी
जिस बच्चे का मैं नाम ले रही हूं, दैट स्टूडेंट इज प्रेजेंट और एबसेंट, ठीक है? सो दैट वी शुड नॉट वेस्ट आर टाइम ऑन कॉलिंग दैट स्टूडेंट हु इज नॉट ऑलरेडी नॉट प्रेजेंट इन अ क्लास, ठीक है? तो आपने मुझे फटाफट बताना है अगर कोई बच्चा एबसेंट है जिसका मैंने नाम लिया, सो दैट पर्सन जिसके पास माइक है, दैट इज अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास, ठीक है? सो सिक्स है, गुरशरण इज देयर, गुरशरण बेटा आ जाओ, कम फॉरवर्ड, यस। द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट विच फॉर्म क्लियर शेडो आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक और ऑल द अबव। बाकी सब फटाफट इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखो, जो क्वेश्चन आज करेंगे दैट आर सपोज टू कम इन योर एग्जाम और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम, सो मेक श्योर टू नोट डाउन, सो इट विल हेल्प यू ओनली, ठीक है? सो यस, द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच फॉर्म क्लियर शेडो आर, यस गुलशन बेटा, बेटा माइक इज नॉट वर्किंग, योर माइक इज नॉट वर्किंग, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू मैम, प्लीज चेक द माइक, मैम इज देयर, टीचर इज देयर, यस बेटा आई एम नॉट एबल टू, ओके डू वन थिंग गुरशरण, फॉर वन ऑप्शन शो मी वन फिंगर, फॉर टू बी फॉर टू, ठीक है, सी के लिए थ्री एंड फॉर डी फोर फिंगर्स, सो व्हाट एवर योर आंसर शो मी इन द फिंगर बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू, सो यस शो मी द फिंगर्स, इट्स सी, यू आर सेइंग सी है ना, ओपे, दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, यस दैट्स वेल डन, सो यस ही इज राइट, व्हाई ही इज राइट, कौन बता सकता है क्यों गुरशरण सही था? सो सिक्स बी प्रशांत इज देयर, सिक्स बी प्रशांत, बेटा कम फॉरवर्ड एंड टेल व्हाई आंसर सी इज राइट एंड व्हाई ए बी आर इनकरेक्ट, बाकी सब बेटा आंसर के आंसर सबको पता लग गया ना, सब नोट डाउन करो फटाफट, क्लियर यस दिस इज द क्वेश्चन प्रशांत, बट यू हैव टू गिव मी द रीजन व्हाई आंसर सी इज करेक्ट, क्लियर क्योंकि क्लियर शेडो आ रही है। यस क्लियर शेडो बनेगी बेटा, क्यों बनेगी, ओपेक से ही क्यों बनेगी, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट से क्यों नहीं बन रही, क्योंकि बताओ मुझे क्यों नहीं बन रही? ओके आप एक मिनट सोचो इसको, ठीक है? ओके इसको हम ना आपको अच्छे से करके दिखाते हैं, प्रशांत जी सिट डाउन बेटा, सिट डाउन प्रशांत, ठीक है? अब हमारे पास ये लाइट सोर्स है, यू कैन सी द लाइट सोर्स हियर, अब सब यस 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 सबसे पहले मैं लेती हूँ इसमें लाइट सोर्स जो कि क्या है ये, ओपेक, अब मैं इसके एक साइड लाइट कर रही हूँ, क्या आपको दूसरी साइड लाइट पास होते नजर आ रही है, मैम ने बोला है नो नहीं आ रही, चलो दैट्स गुड, नहीं आ रही, नाउ आई हैव शेकन दिस पेज, कैन यू सी द लाइट मैम, यस क्या ये लाइट, ये जो लाइट है इसके इक्वल है, बराबर है डिम डिम है, यस और नो, डिम है या नहीं है, कम है या नहीं है, यस यस yes. अब थर्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं, नाउ दिस इज, अब इसमें क्या लग रहा है, लाइट बराबर है या नहीं है, यस अब मुझे बताओ इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, जो ये वाला है व्हाट इट इज कॉल्ड, ट्रांसपेरेंट इट्स ट्रांसपेरेंट, यस
नाउ व्हाट इट इज कॉल्ड, लाइट इसके, देखो मैं बैग से डाल रही हूं लेकिन आपको दिख नहीं रही, ओपेक। अब ये जो लास्ट ये था इसमें से भी लाइट जा रही है, ट्रांसपेरेंट, दैट्स गुड। अब हमने क्वेश्चन में आंसर दिया कि ओपेक जो है सिर्फ वो ही शेडो बना सकता है, व्हाई सो, सो बिकॉज अगर हम शेडो की बात करें, ये शेडो है किसकी पड़ रही है, ओपेक की आ रही है शेडो, यस कंप्लीट एकदम क्लियर शेडो बन रही है। यस अगर हम इसकी बात करें, शेडो बन रही है, इज इट क्लियर शेडो, नो। अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करें, इज इट क्लियर, इज देयर एनी शेडो, तो बेटा दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, राइट डाउन, बिकॉज बिकॉज ओपेक ऑब्जेक्ट कैन ब्लॉक द लाइट, क्योंकि हमारी जो लाइट पड़ रही थी उसको किसने ब्लॉक किया, ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट। सो राइट डाउन द आंसर वेन एवर यू गिव द आंसर, ओके, जब भी आपने आंसर देना यू शुड नो वाई इट इज करेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट बिकॉज इट ब्लॉक्स द लाइट। बाकी हमने देखा बेटा कोई भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा था कंप्लीटली, लाइट ट्रांसपेरेंट तो पूरा ही अलाउ कर रहा था, ल्यूसेंट जो है पार्शली ब्लॉक कर रहा था, जो कि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, ठीक है, जब आपने ये पढ़ा था चैप्टर, सो यू लर्न ट्रांसपेरेंट अलाउ पैसेज ऑफ लाइट, ट्रांसल्यूसेंट अलाउ पार्शियल, एंड ओपेक ब्लॉक द लाइट, डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है, सो दैट यू ऑलरेडी लर्न, इज इट क्लियर, रेज योर हैंड इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर, रेज योर हैंड, ओके, सेटल डाउन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेक्शन से आ जाओ, हर गोपाल, सी सेक्शन हर गोपाल, वाई डू ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शेडो, सो दैट इज व्हाट वी जस्ट डिड, तो जिसने ध्यान से पढ़ा वो बता सकता है, शेडो मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट, ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली ब्लॉक लाइट, ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट, दस मेकिंग शेडो, और बोथ ए एंड बी, सो यस हर गोपाल बेटा, व्हाट्स द आंसर, यस बेटा, बेटा आप लोगों के माइक क्यों नहीं वर्क कर रहे, आई डोंट नो, मैं बी बी, यस दैट्स बी, दैट्स करेक्ट, सो सिट डाउन बेटा, यस, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको कंफर्म किया कि यस इट्स बी, व्हाई बी, सो वी लर्न कि ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट, ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक पैसेज ऑफ लाइट, जो भी हमने लिया था एक हमने ऐसा, तो यहां से लाइट सोर्स आ रही थी, सो इसके दूसरी साइड लाइट नहीं आ रही थी, सो दैट्स व्हाई, ठीक है, सो वी लर्न अबाउट कलर इज दिस, नॉट विजिबल। कलर इज नॉट विजिबल, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, मैं एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, कैन ऑप्शन डी कैन कम मैम, बिकॉज शेडो मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट मैम, क्योंकि वहां तक तो लाइट पहुंचती ही नहीं शेडो तक तो मैम। यस एक मिनट बेटा, वेट, लेट मी एडजस्ट द कलर, नाउ इज इट क्लियर ना, चलो, हाँ क्या पूछ रहे बेटा, मैम, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन आर बोथ करेक्ट मैम, बिकॉज शेडो मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट। ये शेडो मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट, बट क्वेश्चन इज बट व्हाई डू ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म शेडो, सो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ, वी कैन से प्रॉपर्टी ऑफ शेडो, बट ओके मैम, हियर वी आर आस्किंग व्हाई शेडो इज फॉर्म बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, सो हियर वी हैव टू टेल द आंसर अबाउट द ओपेक ऑब्जेक्ट, ओके मैम, बोथ आर करेक्ट, बट हियर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओके मैम, ओके, यस। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फ्रॉम 6D, ठीक है, अब 6D से आ जाओ, एकम चौधरी, एकम चौधरी, एकम चौधरी कम, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, शेडो कब बनेगी, सो एकम चौधरी 6D, यस बेटा बताइए, शेडो, अगर हमने शेडो बनानी है, सो व्हाट आर द कंडीशंस,
कैसे बनेगी शेडो? राइट डाउन बेटा सब आंसर, इस क्वेश्चन को लिखो, ठीक है? दीज आर द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे कम इन एनी फॉर्म इन योर एग्जाम। यस बेटा, आंसर आता है एकम चौधरी? यस और नो? नन्नू बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, स्पीक इट लाउडली। नन्नू नो। अच्छा सिट डाउन बेटा, इसी क्लास। ओके कमिंग टू सिक्स ई नवी, सिक्स ई नवी। यस बेटा, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो? मैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, यस, मैं स्क्रीन, स्क्रीन, ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, दैट्स गुड। सिट डाउन बेटा, यस यू आर राइट। सो दीज आर द थ्री कंडीशन, राइट डाउन स्टूडेंट्स, राइट डाउन। सो कंडीशंस आर व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू नीड टू फॉर्म शेडो? सो राइट डाउन दिस। सो यू नीड टू फॉर्म शेडो, सी हेयर लाइट सोर्स, यू कैन सी हेयर, हेयर आई एम, ओके आई एम ड्राइंग द लाइट सोर्स ऑल्सो, सोर्स ऑफ लाइट, सपोज इट्स अ सन, ओके इट्स अ सन एंड हेयर इट्स ग्राउंड दैट एक्ट एज अ स्क्रीन, इट्स अ स्क्रीन, द सेकेंड कंडीशन। नाउ हेयर इज व्हाट? इट्स अ ट्री। नाउ हियर वी कैन ड्रॉ शेडो ऑफ दिस ट्री। सो दिस इज अ शेडो ऑफ ट्री एंड ट्री इज व्हाट? इट्स अ ऑब्जेक्ट। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? ओपेक। एक ऑब्जेक्ट यस, सो थ्री कंडीशंस टू मेक शेडो लाइट सोर्स। अगर लाइट नहीं होगी, अभी आपकी क्लास में बंद कर दूं, ठीक है? हमारे पास ग्राउंड भी पड़ा है, ट्री भी पड़ा है, लेकिन नाइट है। कैन वी सी शेडो ड्यूरिंग नाइट और एट नाइट? नो अंधेरे सी शेडो नहीं। नो अगर सन है और ग्राउंड भी है, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कैन वी सी द शेडो? नहीं। अब हमारे पास बर्ड, अगर आपने देखा होगा बर्ड, एरोप्लेन ऊपर फ्लाई करते हैं, बट वी कांट सी द शेडो बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है? अगर स्क्रीन के पास ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर हमारे पास स्क्रीन नहीं है, सो वी कांट सी द शेडो इधर। सो टू, और वी कैन से फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो दे आर थ्री थिंग्स, ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन। ये तीनों होने चाहिए, अगर इनमें से एक भी नहीं है, सो वी कांट सी द शेडो, ठीक है? फॉर द शेडो फॉर्मेशन वी नीड दीज थ्री, सोर्स ऑफ लाइट फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज स्क्रीन। सो दीज थ्री थिंग्स वी नीड फॉर द शेडो फॉर्मेशन। सबने लिख लिया? एमईएस ओके सो एमईएस कमिंग टू सिक्स एफ दिलप्रीत, सिक्स एफ दिलप्रीत। अब देखो बेटा, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तभी मैंने कहा है स्टार्टिंग से बी अटेंटिव, क्वेश्चन यहीं से घुमा के पूछे जाएंगे, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसी से रिलेटेड आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। कैन यू सी अ शेडो इन अ डार्क रूम? एक्सप्लेन वट एवर योर आंसर इज। यस बताओ दिलप्रीत, यू कांट सी शेडो, दैट्स राइट। कैन यू टेल मी द रीजन वाई? बिकॉज देयर इज नो लाइट। सो देर इज नो लाइट दैट इज ब्लॉक बाय ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पे लाइट ही नहीं पड़ेगी तो वो क्या ब्लॉक करेगा और क्या जो है वो हमें शेडो दिखाएगा।
सो एवरी वन सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, दैट्स गुड. सो राइट डाउन द आंसर. नो वी कैन नॉट सी अ शेडो इन अ डार्क रूम. नो वी कैन नॉट सी अ शेडो इन अ डार्क रूम बिकॉज, क्यों नहीं देख पाएंगे, बिकॉज देयर देर इज नो सोर्स ऑफ लाइट. नो सो, ये तो क्वेश्चन है बेटा, बिकॉज देर इज नो सोर्स ऑफ लाइट दैट इज, देर इज नो सोर्स ऑफ लाइट दैट इज ब्लॉक्ड बाय, दैट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एवरी वन नोट डाउन, आई कैन सी बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएगा तो आंसर भी ऐसे ही आएगा, ठीक है. सो राइट डाउन इट. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड अवेयर ऑफ, ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कमिंग बैक टू द सिक्स्थ ए, जैस्मिन. जैस्मिन इज देयर इन सिक्स्थ ए, एक्सक्यूज जैस्मिन और जसमन आई थिंक. मी मैम, विच क्लास, यस प्लीज रिपीट द आंसर. ओके. सो आंसर इज नो वी कैन नॉट सी अ शेडो इन अ डार्क रूम बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट, देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट दैट इज ब्लॉक्ड बाय, दैट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके सो नाउ नेक्स्ट मूव, सिक्स्थ ए, जसमन इज देयर, जसमन आ जाओ बेटा आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, टेल द कलर ऑफ शेडो इन द फॉलोइंग कंडीशंस. तो आपने ए का बताना है सिर्फ, यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ ओनली ए. ऑब्जेक्ट इज रेड इन कलर एंड लाइट इज व्हाइट लाइट, सो व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द शेडो. यस बेटा, आवाज नहीं आ रही. आप सब एक तो एक काम करो, सभी स्टूडेंट माइक मत उठाया करो, मेरे पास भी सेम यही माइक है. कैन यू सी आई एम होल्डिंग इट? नहीं, ये अपने आप वॉइस आपकी कैप्चर कर लेता है दूर से, जहां पर पड़ा है वहीं पर बस उसको ऑन करना है, ठीक है. सो यस नाउ स्पीकर. बट इसकी वायर हिली हुई है क्योंकि मैंने पहले भी सिक्स डे से पूछा था गुरशरण से, सो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर इट. सो ट्राई टू फिक्स इट देन स्पीकर. टीचर इज देयर, प्लीज मैम प्लीज हेल्प हेल्प हिम आउट. नो बेटा, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू. ओके सिट डाउन. फ्रॉम सिक्स बी, मनन धीमान, मनन धीमान. Absent is absent today. गुरकिरत, गुरकिरत. Yes. यस बेटा, आंसर द क्वेश्चन. Shadow ऑब्जेक्ट इज रेड इन कलर, लाइट इज व्हाइट लाइट, सो व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द शेडो. ब्लैक. black. ओके, मैं भी आंसर बताऊंगी इसका क्या है, कि आपका सही है या नहीं है, आई विल टेल लेटर ऑन. सिट डाउन बेटा. सिक्स सी सिमरनप्रीत आ जाओ. सिक्स सी सिमरनप्रीत. यस बेटा, आंसर द सेकंड बी पार्ट. When light, red light falls on black object, so what would be the color of the shadow? I'm black. Black. That's good. You are also right. Okay, sit down, बेटा. Okay. So yes. शेडो का कलर हमने कभी चेंज होते नहीं देखा. वट एवर द ऑब्जेक्ट, साइज, शेप, कलर, वट एवर इट इज, इट विल रिमेन ब्लैक ओनली. कभी भी शेडो का कलर कुछ और नहीं होगा. सो बोथ आंसर इज ब्लैक. ए एंड बी का आंसर लिख लो, ब्लैक. तो शेडोज कलर इज, शेडोज कलर इज,
या फिर ये लिख दो, द कलर ऑफ द शेडो ऑलवेज रिमेन ब्लैक इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द शेडो, द कलर ऑफ द शेडो रिमेन्स ब्लैक, द कलर ऑफ द शेडो रिमेन्स ब्लैक इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट कलर। ठीक है, इसको कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैम नाउ प्लीज कम, रिपीट अगेन। द कलर ऑफ द शेडो रिमेन्स ब्लैक इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट कलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट कलर। ठीक है, नाउ 6D बुर्लिन कौर, 6D बुर्लिन कौर आ जाए। यस बेटा, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ड्यूरिंग विच टाइम ऑफ द डे योर शेडो इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट? यस बुर्लिन, दिन के कौन से टाइम पे आपकी जो शेडो सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी होती है? Do you know the answer? यस Yes, so speak out बेटा। मैम, शाम की तरह शाम की तरफ बड़ी होती है छोटी होती है? और बड़ी होती है। छोटी कब होती है? मैम दोपहर को। दोपहर को। ओके, आंसर आपका बेटा मैं कह सकती हूँ आधा सही आधा गलत है। ओके, बट यू हैव लिटल बिट नॉलेज ऑफ दिस, दैट्स गुड। सिट डाउन बेटा। सो बेसिकली सन पोजीशन, ठीक है, दिस इज सन पोजीशन। अब सन तो चेंज नहीं होता लेकिन अर्थ मूव करता है, सो दैट्स व्हाई वी सी डिफरेंट पोजीशन ऑफ सन। सो इट्स अर्ली मॉर्निंग, इट्स मिड नून, इट्स अर्ली इवनिंग, और वी कैन से इवनिंग। ठीक है, नाउ हियर इज द ऑब्जेक्ट जो एक ही पोजीशन पे खड़ा है, एक ही पोजीशन पे है, अभी हमने एक ही जगह उसे खड़ा किया हुआ है। ठीक है, इसको हम कुछ और भी ले सकते हैं, यू कैन मेक ट्री ऑल्सो, वट एवर। नाउ लाइट ऑफ सन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग इज फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, नाउ शेडो कहां पर होगी? ऑपोजिट साइड होती है हमेशा, अगर लाइट पीछे से आ रही है तो शेडो आगे को बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने उसे ब्लॉक कर दिया। सो हियर इट्स शेडो विल बी फॉर्म, एंड क्योंकि ये साइड से आ रही है ऑब्लिक है, सो इट विल बी लार्ज। ठीक है, नाउ कमिंग टू नून टाइम। ठीक है, नून टाइम पे आ जाते हैं, लेट्स कम टू द नून टाइम। सर के एकदम ऊपर शेडो है, ठीक है, मेरे एकदम ऊपर शेडो है तो तेरी पूरी बॉडी पे तो वैसे ही फॉल नहीं करेगी। ठीक है, दिस पार्ट और दिस पार्ट इज मोर एक्सपोज टू द लाइट, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एकदम मेरे पैरों के पास जो है छोटी सी शेडो बनेगी हियर, ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी, मेरे फीट के पास पास ही बनेगी। नाउ कमिंग टू इवनिंग पार्ट, ठीक है, इवनिंग पार्ट। अब इवनिंग में भी लाइट दूर से और इंक्लाइंड ऑब्लिक आ रही है, हियर अगेन शेडो विल बी बिग, सो इन विच केस वी कैन एक्सपीरियंस लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट शेडो? हियर अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली इवनिंग, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग मिड नून, या बेटा खुद देख भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा
थोड़ा सा ये नहीं कि पूरे दिन आपने बाहर खड़े रहना है। सुबह 8-9 बजे अगर आप अपनी शेडो देखो, शाम को 3-4 बजे, आजकल सर्दी है तो 3:30-4 के बीच देखो, एंड दोपहर को 12 बजे अपनी शेडो एक बार देखो। अगर अपने नहीं देख सकते तो फिर जैसे क्लासरूम में हो, फ्रॉम द विंडो यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, जो बाहर एक कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ट्री हो गया और समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सो यू कैन सी और ऑब्जर्व दिस इटसेल्फ। सो दीज आर द थिंग्स फ्रॉम योर डेली लाइफ, कोई नई चीज नहीं है। हम डेली देखते हैं अपनी शेडो, खेलते भी हैं शेडो के साथ, ठीक है? लाइट जाती है, खेलते हो ना शेडो के साथ, कभी बर्ड बनाते हो, कभी रैबिट बनाते हो, प्ले विद द शेडोज ना। तो वो भी क्या है, लाइट आप इधर से फेंकते हो टॉर्च की और शेडो जो है वॉल पे बन रही होती है, सेम साइड तो बनती नहीं है। और अगर आप लाइट का सोर्स पास ले आते हो तो छोटी बनती है, जाती है ना? क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड इफ दिस पार्ट इज क्लियर, रेज योर हैंड। 6 है, इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ फ्रॉम विच क्लास आई हैव आस्क्ड, कौन सी क्लास का बच्चा बुलाया था मैंने? 6 डी से, है ना? डी से थे। अब यस यस ई से आ जाओ। जस्ट करण, ई से जस्ट करण। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्स। तो पहले तो जस्ट जस्ट करण टेल मी व्हाट इज ल्यूनर एक्लिप्स। जस्ट करण टेल मी ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है बेटा? मैं हाँ जब बेटा, मैं सन में बीच में आ सन बीच में आ जाता है, सन घूमता है, जाता है। मैं सॉरी, मैं मून मून बीच में आ जाता है, किसके बीच आता है? के तो उसने सन को नहीं ब्लॉक कर दिया अगर बीच में आ गया? अर्थ और सन के बीच है। हाँ अभी आपके जो है लेफ्ट साइड में जो गर्ल बैठी है उसके उस साइड मुझे लगता है विंडो है ना? आपके लेफ्ट साइड में विंडो है यस ना? अब आपके राइट साइड जो लड़का बैठा है, बॉय बैठा हुआ है, ठीक है? उसको अगर आप अभी नहीं खड़े होंगे तो उसे पूरी विंडो दिखती। अब आप बीच में खड़े हो गए हो, अब उसे वो पूरी विंडो का जो व्यू है वो ब्लॉक हो रहा है, तो आपने एक्लिप्स कर लिया उसका व्यू। तो एक्लिप्स किसने किया? आपने किया। किसको किया? वो जो बॉय बैठा है उसको किया है। तो उसका नाम आएगा कि वो जो बॉय है, जो क्या नाम है इसका, फर्स्ट डेस्क में जो बैठा है आपके बेटा, क्या नाम है? नवी। नवी। तो आपने नवी का एक्लिप्स किया, इट इज नवी एक्लिप्स, ठीक है? जो यस भी आप रोशनी जिसका व्यू आप ब्लॉक कर रहे हो, दैट इज एक्लिप्स। अभी आपने उसको एक्लिप्स कर दिया है, ठीक है? अगर मैं यस लूनर एक्लिप्स कह रही हूं, पहले तो ये पता होना चाहिए ल्यूनर किसको कहते हैं। मून, मून को कहते हैं ल्यूनर। तो ल्यूनर, अगर मून एक्लिप्स हो रहा है तो वो थोड़े ना ब्लॉक करेगा, उसको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? किसने ब्लॉक किया अब ये बताओ? अमर्थ अर्थ ने, ठीक है? दैट्स करेक्ट। अब इसी को ऑपोजिट आ जाता है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है बेटा? ने मून में जब आगे आ जाते हैं सन के। मून जब सन के आगे आता है, दैट्स गुड, बैठ जाओ। अब इसको थोड़ा सा बेटा हम सब करके देखते हैं कि हम जो ये बोल रहे हैं व्हाट इट एक्चुअली मींस, ठीक है? लेट्स डू इट हियर, ओके? इसको करके देखते हैं ना, सब ध्यान से देख लो। अभी पेन पेंसिल 1 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है? लीव द पेन पेंसिल। दिस इज आर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है? अब इस अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? मून घूमता है, ये मैं हम, यस, ये हमने यहाँ पर सन रख लिया है, ठीक है? या फिर रुको, आई शो यू, दिस इज सन, ये जो टॉर्च दिख रही है, दिस इज सन हियर, ठीक है? और ये जो छोटी सी बॉल है, दैट एक्ट एज अ मून। अब यहाँ पर जो सन है, सन यहाँ पर सेम पोजीशन पर रहेगा, सन इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सन नहीं घूमता, सन वहीं का वहीं रहेगा, सन नहीं जाता कहीं।
इट्स मून और इट्स अर्थ दैट इज मूविंग। सो अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, ऐसे ये मून घूम रहा है। अब यहां पर देखो बेटा, जब सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबको मून दिख रहा है। लेट मी जूम इट, पहले मैं जूम कर देती हूँ सो इट बिकम मोर क्लियर टू यू। सो यस, ये है। अब यहां पर देखो, ये आपको मून दिख रहा है, हम यस ये हम नो? अब ये आपको इसकी एक साइड ब्राइट लग रही है और एक साइड डार्क लग रही है, यस। यस अब जो ये ब्राइट वाली साइड है और ये जो डार्क साइड है, डार्क साइड किस साइड को फेस कर रही है? टुवर्ड्स अर्थ और नॉट? सर अर्थ को कर रही है। अब जब ये अर्थ को कर रही है, जब ये अर्थ को कर रही, जस्ट अ मिनट बेटा। सो जब ये अर्थ को कर रही है तो क्या हो रहा है? यस, अर्थ को जब वो लाइट ब्लॉक कर रही है तब क्या हो रहा है बताओ? यस, ये अर्थ है, ठीक है। इसको जो है इस पे, यहाँ पर देखो, हमें डार्क पार्ट अर्थ पे खड़े लोगों को नहीं दिख रहा, ठीक है हमें, क्योंकि जो सन की लाइट मून पे पड़ रही है वो इस साइड है, ये वाली, और जो अर्थ है उसको नहीं दिखेगा। तो हमें उस दिन हम क्या कहते हैं? अमावस्या, न्यू मून। कब होता है? सन मून पे लाइट पड़ रही है, लेकिन कौन सी साइड पड़ रही है? बैक साइड, ठीक है, जो कि अर्थ को नहीं दिखती, ठीक है। अर्थ को ये वाली साइड नहीं दिख रही, अर्थ में हमें ये वाली दिखती है जो कि डार्क है। तो सोलर इक्लिप्स हमेशा तब आता है जब न्यू मून होता है, जब हमें नहीं दिख रहा, बट मून इज प्रेजेंट, मून इज प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट आ जाते हैं सोलर इक्लिप्स, सोलर सॉरी ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है? ये हमारा जो है, यहाँ पर अगर हम कहें, ये हमारी रोशनी है, ठीक है, वही जो रोशनी थी, सन है। अब ल्यूनर इक्लिप्स में, क्योंकि हमने क्या कहा, मून जो है चारों तरफ अर्थ के घूमता है। अब जब वो घूम रहा है, यहाँ देखो बेटा ध्यान से, ये घूम रहा है। अब जो सन है, जो फुल मून वाला टाइम होता है, तब हमें क्या होता है? अभी देखो, यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, और कौन सी साइड पड़ रही है? जिस साइड अर्थ को दिख रहा है, ठीक है, हमें अर्थ से वो रोशनी दिख रही है, ये वाली। तो इसको हम कहते हैं फुल मून, ठीक है। अब पूरी रोशनी पड़ रही है तो हमें फुल मून दिख रहा है, लेकिन जब अर्थ मून और सन के बीच आ जाता है तो वो रोशनी इसमें नहीं पड़ रही। सारी रोशनी जो है, या कुछ पार्ट ऑफ द रेज ब्लॉक बाय अर्थ, फुल मून है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, ब्लॉक है अर्थ मून की लाइट, दैट इज कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स। एंड ल्यूनर एक्लिप्स ऑलवेज हैपन कब? फुल मून पे, पूर्णमासी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस टाइम होता है। आधे मून में, हाफ मून में, क्रेसेंट मून में नहीं होता। इट हैपन्स ड्यूरिंग फुल मून। कोई चीज पूरी होगी तभी तो कटेगी, ठीक है। न्यू मून पे आता है सोलर एक्लिप्स। किसको क्लियर हो गया? पहले हैंड रेस करो। क्लियर है? न्यू मून क्या हो गया? जब हमें नहीं दिख रहा। अब ये देखो, ये मून, इस पे सन की रोशनी पड़ रही है, देखो ऐसे था ना, सन की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन कहाँ पड़ रही है? बैक साइड पे, ये देखो बैक साइड पे पड़ रही है। अब आगे वालों को नहीं दिखेगा कि वहां पर रोशनी है। अब यही चीज, ठीक है, फ्रंट वाली साइड पे आ जाए। अभी हम, मैं फ्रंट पे कर देती हूँ, ये देखो फ्रंट पे, तो हमें मून दिख रहा है, ये दिस इज मून दैट वी कैन सी ऑन फुल मून, ये फुल मून पे है। अगर इसके बैक साइड से अगर हम कर दें, अभी क्या हो गया, रोशनी चली गई, लबकी लाइट बैक साइड में पड़ रही है, दिस इज न्यू मून। इज इट क्लियर? न्यू मून पे भी सन जो है, सन की लाइट मून पे पड़ती है, बट ऑन ऑपोजिट साइड, दैट वी कांट सी फ्रॉम द अर्थ, दैट्स द डिफरेंस। नाउ इज इट क्लियर ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सोलर एक्लिप्स किसका, किसको एक्लिप्स हो रहा है? सब व्यू खराब हो रहा है सोलर का। सोलर मीन्स सन, सन के, सन का व्यू कौन खराब करेगा? मून, ठीक है। ल्यूनर एक्लिप्स मतलब ल्यूनर का एक्लिप्स हो रहा है। ल्यूनर कौन है? मून। तो मून को कौन खराब करेगा? सन नहीं खराब करेगा, बीच में अच्छा नहीं आता।
अर्थ आएगा, ठीक है, इट इज अर्थ। सो लेट्स गो टू द आंसर, लेट्स गो बैक टू द आंसर हियर, ओके, एंड अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ड्रॉ डायग्राम ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स। सो इन ल्यूनर इक्लिप्स, सब ड्रॉ करो बेटा, ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, अर्थ इज हियर, दिस इज अर्थ, और इससे बड़ा हम बना देंगे सन। मेरा थोड़ा इलेप्टिकल बन गया है, राउंड बनाना है, ठीक है, और यहां पर है मून, दिस इज मून। अभी तीनों एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, ठीक है। अब जो सन की रोशनी है वो मून पे नहीं पड़ पा रही क्योंकि अर्थ इज कमिंग इन बिटवीन, अर्थ इज कमिंग इन बिटवीन, तो इस वजह से हमें मून नहीं दिख रहा। नाउ कमिंग टू अनदर साइड, सोलर इक्लिप्स। नाउ इन सोलर इक्लिप्स सन इज हेयर, अर्थ इज हेयर, नाउ बिकॉज मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड सन, सो व्हाट इज हैपनिंग, जो कुछ लाइट है दैट इज ब्लॉक्ड बाय मून, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, जो अर्थ के लोग हैं उनको जो है कंप्लीटली नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है उन्हें सन नहीं दिखेगा। सो दिस इज सोलर एक्लिप्स। इज इट क्लियर बेटा, सबने ड्रॉ करी। सो लास्ट मैंने किसको बुलाया था, कौन सी क्लास से था, आई थिंक ई से, एफ से आ जाओ बेटा, प्रबलूर। नाउ प्रबलूर फ्रॉम एफ, एफ सेक्शन प्रबलूर। यस बेटा, ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स इन अमावस्या, पूर्णिमा, फुल मून डे, बोथ बी एंड सी। यस बेटा, ए। सो यू आर सेइंग ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स इन ए, अमावस्या। यस ओके, सिट डाउन बेटा, सिक्स ए से रंजीत आ जाओ, सिक्स से रंजीत, रंजीत इज देयर, सिक्स ए रंजीत। यस सिटी बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है, ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स इन, यस। आपका बेटा आवाज नहीं आ रही सिक्स ए से, तो आप मुझे फिंगर शो करो, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए। ओके सिट डाउन, सिट डाउन। ल्यूनर मतलब मून को इक्लिप्स लगा है, और मून को इक्लिप्स कब लगेगा, जब वो चमक रहा होगा, कब चमकेगा, न्यू मून पे चमकेगा या फुल मून पे चमकेगा, पहले तो ये बताओ, सभी बताओ, जो फुल मून होती है उसको अमावस्या कहते हैं, पूर्णिमा पूर्णिमा या फुल मून डे। सो आंसर इज डी, बी इज द करेक्ट आंसर, अमावस्या होता है न्यू मून, जो कि कब होगा, सोलर इक्लिप्स में, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ल्यूनर इक्लिप्स हैपन्स ऑन फुल मून ओनली फ्रॉम दिस सिक्स बी गुर किरत, सिक्स बी गुर किरत। यस बेटा, क्या लगता है आपको आंसर, व्हाई ल्यूनर इक्लिप्स हैपन्स ऑन फुल मून ओनली, अभी हमने इसका आंसर और हमने इसकी एक्टिविटी की थी। यस, डू यू नो द आंसर और नो, ओके, सो फर्स्टली राइट डाउन, देन आई एक्सप्लेन, सिट डाउन एवरीवन, राइट डाउन, ए ल्यूनर एक्लिप्स हैपन्स ओनली, ए ल्यूनर एक्लिप्स हैपन्स ओनली
ड्यूरिंग अ फुल मून, ड्यूरिंग अ फुल मून, बिकॉज बिकॉज सिक्स एप्स फर्स्ट बेंच स्टूडेंट्स, व्हाई यू आर नॉट राइटिंग? यस, ए ल्यूनर एक्लिप्स हैपन्स ओनली ड्यूरिंग अ फुल मून बिकॉज दैट्स व्हेन सिक्स डी कॉर्नर कॉर्नर रो सेकेंड बेंच बॉय, जो कॉर्नर में बैठे हैं बेटा, टीचर्स प्लीज मेक श्योर दैट एवरीवन इज राइटिंग इन द क्लास. सिक्स डी स्टूडेंट कॉर्नर रो सेकेंड बेंच बॉय विद गर्ल हु इज सिटिंग इज नॉट राइटिंग एनीथिंग ड्यूरिंग ए फुल मून बिकॉज दैट्स व्हेन द अर्थ इज प्लीज राइटिंग. दैट्स व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, द सन एंड द मून. ठीक है, किस लिए होता है? फुल मून डे पे, क्योंकि उसी टाइम अर्थ जो है सन और मून के बीच में होती है. ठीक है, सो दैट्स द रीजन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सोलर एक्लिप्स हैपन्स ऑन न्यू मून ओनली? राइट डाउन दिस क्वेश्चन बेटा, एंड फॉर दिस आई एम कॉलिंग सिक्स सी इश्मित, सिक्स सी इश्मित, सिक्स ई इश्मित. यस बेटा व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई सोलर एक्लिप्स हैपन्स ऑन न्यू मून ओनली? अच्छा, न्यू मून पे हमें मून दिखता है? फर्स्टली टेल मी, न्यू मून पे क्या हमें मून दिखता है? नो नहीं दिखता, लेकिन होता है वो. यस यस, अब जो चीज हमें दिख नहीं रही लेकिन वो ब्लॉक कर रही है सन को, अब उस टाइम वो कब कर रही है ब्लॉक, और वो न्यू मून कब आता है? जब सन के जस्ट सामने मून होता है. ठीक है, कब होता है? ये सन है, सन के सामने जब मून आ जाता है और अर्थ इस साइड है, दैट इज न्यू मून. ठीक है, गो यस सिट डाउन. सो बेटा एवरीवन राइट डाउन द आंसर इज सेम एज जो अबव लिखा था, जो ऊपर लिखा है वही है. तो इसमें बस हम लिख देंगे व्हेन मून इज इन बिटवीन सन एंड अर्थ, व्हेन मून इज इन बिटवीन, अब उल्टा हो जाएगा, मून बीच में है सन और अर्थ के. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इमेज एंड द शेडो? सिक्स डी से करणवीर आ जाए, सिक्स डी करणवीर, सिक्स डी करणवीर. यस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इमेज एंड शेडो? मैं शेडो इज इन ब्लैक कलर, यस, मैं एन इमेज इन इन यस बेटा सही बोल रहे हो. मैं इमेज इज सेम एज द थिंग कलर्स. यस, स्पीक लाउडली. मैं शेडो मेक बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. यस, मैं ओके, यू आर प्रिटी क्लियर. ओके, सिट डाउन बेटा. सो यहां पर ओके, शेडो इज ब्लैक इन कलर, सब लिखो, शेडो इज ब्लैक इन कलर, बट इमेज कैन बी कलरफुल, इमेज कैन बी कलरफुल.
एक और पॉइंट लिखो, शेडो डजंट गो लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बेटा? अच्छा आप सबको ये दिख रहा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? एमआरसी एमआरसी MRC लिखा है। अब मैं इसको आपको बोलूंगी यहां से रीड करो, ये सेम है जैसे आपने पढ़ा, नो इसको क्या कहेंगे, क्या हो गया ये? दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसको देखो लेफ्ट साइड राइट में आ गई, राइट वाली साइड लेफ्ट में चली गई है, सो इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, जहां पर हमें लेफ्ट साइड जो है इन्वर्टेड लग रही है। इट इज लेटरल इन्वर्जन दैट यू कैन सी हियर, MRC इज हियर शोन एज डिफरेंट। आर देखो कंप्लीटली डिफरेंट है, सी का जो है ओपनिंग दूसरी साइड है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय लेटरल इन्वर्जन। आई होप इट इज क्लियर। मैम, यस यस, सो शेडो डजंट गो लेटरल इन्वर्जन व्हाइल इमेजेस कैन, जो अभी हमने इसका शीशे में देखा दैट वाज इमेज। ठीक है, दैट वाज एन इमेज। मूविंग टू नेक्स्ट, रिपीट अगेन. शेडो डजंट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन बट इमेज कैन। अब हमने अगर किसी की शेडो बड़ी करनी है, सो फ्रॉम द क्लास 6E रणवीर, 6E रणवीर कम बेटा, अगर हमने किसी की शेडो अब बड़ी करनी है, सो व्हाट वी कैन डू? ये मेरे पास स्क्रीन है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट आई हैव। अब मुझे इसकी ये जो शेडो है बड़ी करनी है, क्या करूं मैं इसको? लाइट सोर्स लिए रहा सामने, ऑपोजिट साइड, डायरेक्शन चेंज करनी है. डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज करूं या डिस्टेंस? किसका? एक ऑब्जेक्ट का किससे बढ़ाऊं या कम करूं, किससे, स्क्रीन से या लाइट सोर्स से? मैम स्क्रीन पे. स्क्रीन से तो मैं इसका डिस्टेंस बड़ा करूं और लाइट सोर्स के पास लेके जाऊं, तब क्या हो जाएगा, मैम शेडो शैडो का साइज बड़ा। कि बाकी आपने किया भी था बेटा सेम ऐसे एक्सपेरिमेंट, आपने एक्टिविटी की थी, अगर मैम स्क्रीन के पास होगा तो छोटा हो जाएगा, स्क्रीन से देखो दूर कर रही हो तो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये इमेज यस इट्स गेटिंग बिग। ठीक है, पास आने पे ओके छोटी, दूर जाने पे बड़ी। जब मगर इसे मैं दूर कर रही हूँ, सेम टाइम क्या हो रहा है, लाइट सोर्स के पास जा रहा है, तो भी बड़ी हो रही है। सो वी कैन मैम. से व्हेन ऑब्जेक्ट इज By मूविंग, closing the an optical object near to the source of light. यस, व्हेन वी आर मूविंग इट क्लोज टू द सोर्स ऑफ लाइट एंड फार फ्रॉम द स्क्रीन, देन वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ शेडो। सिट डाउन बेटा। देन वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द शेडो, तो स्क्रीन, जो स्क्रीन है उससे दूर और जो लाइट सोर्स है उसके पास। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन चेंज द, मे आर फर्स्ट पीरियड इज स्टार्टेड. जस्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा? राइट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट नाउ, अब आपकी क्लास होने वाली है, सो उससे पहले चलो फटाफट फ्रॉम 6th लवप्रीत लास्ट बच्चा आ जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगी भी आपके आज का रिजल्ट क्या है, कौन सी क्लास जीती है। 6A लवप्रीत, लवप्रीत इज एब्सेंट. लवप्रीत इज एब्सेंट। ओके, सो मैं बताती हूँ, अगर किसी और को पता है तो हैंड रेस करो। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा? इट्स शो इन्वर्टेड इमेज एंड द स्मॉल साइज इमेज. बेटा दैट इज द आउटकम, प्रिंसिपल क्या है, किस पे वर्क करता है ये? 6A, आ जाओ बेटा आपका हैंड रेज है, 6A। यस, अच्छा आपका माइक नहीं चल रहा बेटा, ये माइक इज नॉट वर्किंग। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, 6F से आंसर आया है, दैट्स गुड। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर? चलो फटाफट देख लो, ये देखो ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इससे मैं लाइट पास कर रही हूँ, कैन यू सी द लाइट? अब मैं अगर इस लाइट को बेंड, सॉरी इस रॉड को मैं बेंड कर दूँ, कैन यू सी द लाइट? हेलो
बट कि अभी तो लाइट चल ही रही है, देखो अगर मैं इसको फिर से सीधा कर देती हूँ कैन सी द लाइट, है ना, मगर उसे बेंड कर दो तब हमें नहीं दिख रही। दैट इज वर्ड वी मेंट बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट सीधा ट्रेवल करती है। सो राइट डाउन द प्रिंसिपल इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपने खुद करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। मैम, बीम ऑफ लाइट इज मेड ऑफ सेवरल ले ऑफ लाइट. मैम यस, हु सेड दिस, किसने सिक्स्थ बताया? एफ. मैम फ्रॉम सिक्स्थ एफ. सिक्स स्टेप से बताया। ओके दैट्स गुड, यस इट्स अ कलेक्शन ऑफ, वी कैन से बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट अकेली होती है, सिंगल। ठीक है, तो अगर हम रे ऑफ लाइट की बात करें इट्स लाइक सिंगल, और बीम ऑफ लाइट दैट इज इन बंडल वी कैन से। ओके, तो अब मैं आपको आपका रिजल्ट बताती हूँ आज क्या, कौन सी क्लास विनर है। सो इट्स सिक्स एफ दैट इज विनर ऑफ टूडेज सेशन, सो प्लीज टैप फॉर सिक्स एफ एवरीवन। यस दैट्स गुड, सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू असाइनमेंट एंड थोड़ा बहुत और रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। सैटरडे छुट्टी होगी, टुमारो आई विल चेक योर जीके नोट्स, सी यू ऑल, ब्रिंग योर